हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते हैं। रीडिंग को देखिएगा, आपसे जो रेजोनेट है वो रखें, बाकी को इग्नोर करें, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी पॉजिटिविटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। और व्यूवर्स, वन मोर थिंग, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, ठीक है। आप अपने पर्सनल का नाम मन ही मन दोहराइए, मन में एटलीस्ट 3 बार उनका नाम लीजिए जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हो। चलिए देखते हैं उसके मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में इनको लेके क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, वो इनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए 8 ऑफ कप्स का, एस ऑफ कॉइन, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम द डेक आ रहा है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड का। ओके, राशि में आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी राशि अवेलेबल है हमारे पास, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सारी एनर्जी यहाँ पर आती है। व्यूअर्स, इस वक्त आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा हताश और निराश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि डिमोटिवेटेड से हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने एक्शंस को लेके, जो ये एक्शन लेने की यहाँ पर सोच रहे हैं। हाँ, ये एक एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए देख लेते हैं किस बात से इनको निराशा सी फील हो रही है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर इस व्यक्ति की फीलिंग्स की आपको लेके बात करूँ तो हमारे पास कार्ड काफ़ी ब्यूटीफुल आ रहे हैं, जो ये चीज़ को सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर रही है कि इस व्यक्ति के मन में बेशक आपसे ये समय बात ना कर रहे हूँ, आपको जैसे कि पीठ दिखा रहे हैं, ठीक है। पीठ दिखाना मतलब कि इग्नोर करना, आपको सीधे सीधे सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन यानी कि ब्लॉक कर रखा है इस व्यक्ति ने आपसे, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति के मन में आपको लेके प्यार तो है, ठीक है, आपको लेके इमोशन है, यानी कि वो फीलिंग जो होनी चाहिए किसी के मन में, किसी पार्टनर के मन में दूसरे पार्टनर के लिए, वो प्यार भरी जिससे वो दूसरे से कनेक्टेड रहे या उससे एक जुड़ाव सा महसूस करे या किसी के लिए प्यार महसूस करे, किसी का होना ना होने का जो इम्पैक्ट है वो उस व्यक्ति पे हो, तो वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी आप उसकी लाइफ में नहीं हो, उस व्यक्ति की लाइफ में, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, वो इन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ व्यूवर्स कि ये कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा एनर्जी है, मे बी आपकी तरफ से इस व्यक्ति को इस समय इग्नोर किया जा रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। बट एक चीज़ तो कंसिस्टेंट है, वो यहाँ पे नज़र आ रही है कि इग्नोरेंस में भी तड़प है यहाँ पे, ठीक है। चाहे आपके पर्सन या आप एक दूसरे से बात कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, बट यहाँ पे ये ज़रूर है कि बात नहीं करना खल रहा है, वो फील करवा रहा है तड़प को, ठीक है, कि यार मैं उसके बिना नहीं रह सकती या मुझे उसकी ज़रूरत है, समथिंग लाइक, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना प्यार बहुत है। और ये व्यूअर्स ऐसी एनर्जी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको, आपसे कम्युनिकेशन तो नहीं कर रहे हैं पर आपको ये मिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं मिसिंग एनर्जी देख रही हूँ। जैसे कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, आपने वो गाना सुना होगा ना, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यानी आपके ना होने से इस व्यक्ति की दुनिया में जो रंग है वो बिखरे हुए हैं, उनमें खूबसूरती नहीं है, और इनका जो मन है वो किसी चीज़ में लग नहीं रहा है, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, इनको रह रहे कि आपका ख्याल बहुत आ रहा है, इस तरह की एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पे देखी जा सकती है। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इन्हें क्यों इतने याद आ रहे हो, जितना ही आपको भूलने की कोशिश करें, आपसे दूर जाने की कोशिश करें, क्यों आप इनके जहन से निकलते ही नहीं हो, या इनको क्यों आपकी यादें मतलब तड़पाती हैं, क्यों वो आपको बार बार इनकी तरफ खींच खींच के लेके आती है, या फिर आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच के लेके आती है। जैसे कि ये आपको हकीकत में, जैसे कहते हैं ना कि
रियलिटी के अंदर अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन 3D वर्ल्ड से ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे। 3D वर्ल्ड मतलब इस तरह से समझ लो कि फिजिकली तो आपके पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, या मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है, मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं रखनी है, तो मुझे कॉल मत करो, तो मुझे मैसेज मत करो, हमारे बीच में कुछ नहीं रहा है। बट ये आपको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, और खुद में क्या फील कर रहे हैं कि यार मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा, मुझे उसकी आदत हो गई है, मुझे उसकी उससे बात करनी है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी से रूडली बिहेव कर रहे होंगे नो डाउट। ये फर्स्ट एनर्जी हमारे पास कुछ इस तरह की आई है जो तो ये दिखाई दे रही है। ये किसी वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक करा हुआ है, और इनके पास में ना मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है उस प्रॉब्लम का, ठीक है। कोई तो मेन वजह यहाँ पर ज़रूर है आप दोनों के कनेक्शन के अंदर, जो उस पर्सन को आपसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है, या फिर आपसे दूर जा कर के इस व्यक्ति को आपका प्यार बड़ा खलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि उनको रहना उनके लिए खुद में नामुमकिन है आपके प्यार के बिना, क्योंकि अगर आप देखेंगे 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, कप्स एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। कप्स एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है, और यहाँ पे सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास जो सोड एनर्जी आई है जो दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति के सामने, ठीक है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है जहाँ पर इनको अपनी लाइफ में ये प्यार तो चाहिए, ठीक है, आप भी चाहिए, आपसे प्यार भी है, जताना भी चाहते हैं पर जता नहीं पा रहे। इनको भी पता है कि इनका आपसे बात ना करना आपको भी कितना दर्द दे रहा होगा, आपको कितना हर्ट कर रहा होगा, बट दे स्टिल, ठीक है, ये इस चीज़ को कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल। अगेन 2 ऑफ सोर्ड है, ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड को भी यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें, 2 ऑफ सोर्ड को यहाँ पे अगेन क्लेरिफाई करें, 6 ऑफ सोर्ड है। व्यूअर्स देखो इन इस व्यक्ति की ये एक थिंकिंग है कि ये अगर आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, और अगर ये आपसे दूर जाते तो भी प्रॉब्लम है। आपसे दूर ये रह नहीं पा रहे हैं, या फिर आपसे दूर जाना इनके लिए एक सिचुएशन हो सकता है जो क्रिएट हुई है, ठीक है। और व्यूवर्स यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति अगर ये आपके पास आते हैं तो भी इनको एक तरह की प्रॉब्लम ही नज़र आ रही है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है ये व्यक्ति अपने अंदर फील कर पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं अगेन 6 ऑफ सोर्ड को भी यहाँ पर आपके लिए क्लेरिफाई कर लेती हूँ, 6 ऑफ सोर्ड को भी यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स इस पर्सन के सामने व्यूअर्स ऐसी सिचुएशन ही, मैंने बोला ना इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, बट इनको किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक को अपनी लाइफ में रखना पड़ेगा, या तो आप या फिर कोई और व्यक्ति, और इनके लिए ये जो सिचुएशन है ये चुन पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से ये दोनों लोगों को ट्रिगर कर रहे हैं, खुद को भी ट्रिगर कर रहे हैं, आपको भी ट्रिगर कर रहे हैं, और मे भी कोई थर्ड पार्टी है अगर तो उसको ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर कोई फैमिली है इनके तो उसको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे कि दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी हैं, या फिर दोनों में से किसको चुनूँ मैं, किसी के वर्थ ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, या फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। तो इस पर्सन को इस तरह की सिचुएशन को फेस करना इनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये ऐसी सिचुएशन में उलझ गए हैं कि इनके लिए ये सिचुएशन को से ओवरकम कर पाना ही नामुमकिन है, ठीक है। क्योंकि व्यूवर्स आप देख रहे हो ना, इस व्यक्ति के लिए ये जो एनर्जी आ रही है वो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि इनके लिए इनको कोई ये भी बोल रहा है कि अगर तुमने उसको चुना, ठीक है, तो मैं ये कर लूँगी या मैं वो कर लूँगा, फिर ये तुम ये देखोगे या तुम वो देखोगे, इस तरह की एनर्जी से, ठीक है। तो कोई इनको इस तरह से कोई बोल भी रहा है कि अगर इन्होंने आपको चुना तो कोई कुछ कर लेगा, या कुछ हो जाएगा, या कुछ मतलब सीन क्रिएट हो जाएगा, ये पर्सन ऐसा कुछ यहाँ पे फील कर रहे हैं। दूसरा व्यूअर्स यहाँ पर एक और एस्पेक्ट नज़र आता वो ये कि इस व्यक्ति को ये भी पता है कि इन्होंने अगर आपका साथ, जबकि इतना ब्यूटीफुल आपका रिश्ता रहा है, इतना सब कुछ रहा है, और इन्होंने आपको ब्लॉक किया, या फिर इन्होंने आपसे आपके कनेक्शन से मूव ऑन किया है, तो आपके कनेक्शन में वापस से आना, या फिर आपका दिल जीतना, आपको फिर से अपनी लाइफ में देख पाना, जो जबकि जो ये जो पर्सन है ऐसा चाहते हैं, देख रहे हो 6 7 8 9, ये सीक्वेंस वाली एनर्जी आई है आपके लिए कप्स वाली, 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स अगर मैं देखूँ तो रिश्ता पहले बहुत अच्छा रहा, फिर इस व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर इन उन्होंने किसी और को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बनाया या प्रायोरिटी पर रखा, फिर ये अपनी लाइफ में उस व्यक्ति की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, ज़्यादा उसकी तरफ आगे बढ़े, और आपको इस व्यक्ति ने इग्नोर किया, आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर आपको नहीं चुना, आपकी लाइफ से इन्होंने मूव ऑन किया और किसी और के साथ में अच्छे से रहे, किसी और के साथ में इन्होंने अच्छे से टाइम स्पेंड किया। तो एक चीज़ तो इनको ये भी पता है कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं या फिर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो जो कुछ
आप दोनों के बीच में हुआ है, जितनी कॉम्प्लिकेशंस हुई है उसको देखते हुए इनकी खैर नहीं है कि ये आप मतलब आपको फेस कर लें, ठीक है? ये आपसे आपको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, इनको इवन तो आपसे फेस करते हुए ना डर सा भी लग रहा है अगर मैं बात करूँ, ठीक है? ये मतलब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, कमबैक करना चाह रहे हैं, तो इनको एक तरह का डर सा है कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आए तो इनको आप बहुत कुछ कहोगे, सुनाओगे, या फिर जो भी कुछ कहोगे, एक तरह का डर है, जैसे कि कह रहे हैं कि अपनी खैर नहीं है, तुम एक बार आ तो जाओ मेरे सामने, फिर मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये इनको लग रहा है जैसे आप कोई इनसे बदला ना ले लो, या फिर इनको कुछ सुनाओ नहीं खरी खोटी, या फिर इनके साथ में ऐसा ना हो कि इनको मुँह की खानी पड़े। चाहते तो हैं आपके साथ में रिश्ता, पता चला कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाए, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं एस ऑफ कॉइन यहाँ पर क्यों है। यस, मैंने बोला था ना वही सिचुएशन है कि ये चाहते तो हैं आपका रिश्ता मिले, पर ऐसा ना हो कि कहते ना कभी कभी कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये कहावत है। तो वही है, जब इनको पहले बिन मांगे आपसे बहुत कुछ मिल रहा था, अब ये आपसे मांगेंगे भी ना, यानी कि मांगे मिले ना भीख, यानी जब वो इंसान गिड़गड़ा रहा है या फिर ऐसा सोच रहा है कि यार मुझे ये सब कुछ मिले, तो कुछ भी नहीं मिल रहा, पहले सब कुछ मिल रहा था। तो एक तरह की जैसे कहते हैं ना इंसल्ट वाली एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर आ गई है, एक तरह का हीन भावना आ गई है इस व्यक्ति के अंदर। नाइन ऑफ कप्स को टू ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक तरह के व्यूअर्स देख रही है जैसे कि आंखें ढूंढ रही हैं, वो मतलब एक कमी को महसूस कर पा रही है अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये व्यक्ति यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, सीधे सीधे अकेला है, ठीक है? ये जो पर्सन है आपका, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति है इसको अपनी लाइफ में ये अकेलापन खल रहा है, अब दूर करना चाहता है ये जो व्यक्ति है अपनी लाइफ में। लेकिन इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ ये एक मायूसी सी रह गई है, वो खुशियों भरे मेले, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनसे दूर हो चुके हैं और ये अपनी लाइफ में आप खुद अकेले पड़ गए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से। एट ऑफ वैंड्स को सिक्स ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो माइंड सेट है वो यही है कि वो आपके सामने आएंगे तो आप उन्हें किस तरह से ट्रीट करोगे, ठीक है? उनका जो आपका जो ट्रीटिंग बिहेवियर होगा वो कैसा रहेगा, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सिक्स ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। सिक्स ऑफ कप्स वैसे नाइट ऑफ वेंट्स आया था और यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ वेंट्स ही आया है, तो यस, ये चाहते क्या हैं आपके साथ में, वही प्रीवियस वाली एनर्जी जो कहते हैं ना बिन मांगे मोती मिल रहे थे इनको आपसे, तो ये आपके पर्सन वही चाहते हैं कि इनको बहुत कुछ मिले आपसे। देख रहे हो बॉटम से भी कार्ड आपके लिए टेन ऑफ कप्स का है, यानी कि ये जो पर्सन है सिर्फ और सिर्फ आपसे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर, बहुत कुछ आप दोनों के बीच में जैसे चल रहा था वैसा ही मतलब पाना चाहते हैं, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी जो इन्जॉयमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कहीं ना कहीं लाइफ में चेरिशनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी लाइफ फुल ऑफ कलर्स हो, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो, फुल ऑफ लव, ये सब चीज़ें हो, यानी कि सब कुछ जैसे कहते हैं ना एक रिलेशनशिप में होता है, डेट के अंदर होता है, जब आप किसी के साथ में डेट पे जाते हैं तो कुछ होता है, तो वैसी एनर्जी गाइज यहाँ पे इस व्यक्ति की है। ये चाहते तो बहुत कुछ है आपसे, लेकिन आपको फेस करने में डर रहे हैं, क्योंकि इनको जो मैंने बताया ना, आप वही चीज़ें समझ लें कि वही इनके माइंड में है कि अगर इनके साथ में ऐसा हुआ तो क्या ये उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है? कहते ना फिर तो घूट उगर निकलना पड़ेगा ना, मतलब एक तरह के इंसल्ट का, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं। सो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जीज, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो ज़रूर बताइएगा। कुछ मैं आपके लिए चैनल मैसेज ले रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है? और देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या हैं मैसेजेस। ओके, तो अभी है लीव मी अलोन, तो वे अभी आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है? बात करने में इनको हिचकिचाहट भी हो रही है, और मैंने कहा था ये आपको इग्नोर भी कर रहे हैं नो डाउट कहीं ना कहीं, ठीक है? तो इनको अपना पहले माइंड सेटअप करने दो, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मैंने कहा था दोनों में से किसी एक को चुनना है, और ये उन लोगों के लिए मैसेज है बेसिकली जहाँ पर आपके पर्सन को चुनाव करना है, या तो आप या कोई और ये ऐसी सिचुएशन को नहीं क्रिएट करना चाहते, ठीक है? सो ये उन लोगों के लिए स्पेशली मैसेज हो सकता है। समटाइम योर मेमोरी कॉज मी टू मच पेन, जब आपको ये याद करते हैं ना, जब आपको अपनी लाइफ में मिस करते हैं, मेमोरीज तभी आती हैं जब इंसान किसी को कोई मिस करता है तो उनको बड़ा दर्द भी होता है। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ में करंटली जो चल रहा है वो उनको वो चीज़ें नहीं दे पा रहा है। आई एम सॉरी वट आई सेड, तो आपके पर्सन ने आपको जो भी कुछ कहा है कि मेरी लाइफ से चले जाओ, या फिर मुझसे दूर हो जाओ, या फिर मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, हमारे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, या समवेयर आपको कुछ इन्होंने बोल दिया पास में आपकी, कुछ कुछ भी कहा हो, ठीक है, एक्स वाई जेड,
तो इनको अब रियलाइजेशन भी हो रहा है कि यार मुझे इतना कुछ नहीं करना चाहिए था या फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसके लिए सॉरी या गिल्टी फील कर रहे हैं। आई एम नॉट स्टेबल राइट नाउ, लेट मी फिक्स दिस। तो आपके पर्सन अभी स्टेबल नहीं है, चाहते बहुत कुछ है आपके साथ में, ठीक है, मिसिंग आपको बहुत कर रहे हैं, आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी यहाँ पर आ रही है, मिस बहुत कर रहे हैं पर आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी इस समय स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके सामने आ सके, या फिर जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है या इनके लाइफ में जो चल रही है उसको ये फिक्स कर पाए, मतलब सॉर्ट आउट कर पाए, उसे ओवरकम कर पाए। सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं आपके पर्सन कि अगर ये नहीं तो ये, जैसे इफ एंड बट चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इनको टाइम दीजिए, ये आप आपसे चाहते हैं कि आप इनको फोर्स ना करें, जस्ट इसको, इस व्यक्ति को टाइम लेने दें, अपना डिसीजन खुद लेने दें, और फिर ये आपके पास में आएंगे अपना डिसीजन लेके, ठीक है। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर आप अप्रोच कर सकते हैं, पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो ये थी आपकी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।